माई जेमिनी मिथुन राशि सन मून राइजिंग, अगर आपकी मिथुन राशि है तो वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक करेंगे 1 जून टू 15 जून आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, और उसके बाद हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ को, ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है, जो चीज़ें आपके साथ मैच कर रही है उसे एज गाइडेंस देखें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम फ्रेम का पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। सो हम देखेंगे पहले नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन टाइम प्लीज़। ओके, एक्शन क्या है डिवाइन। Nine of Cups. Okay. मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे डिवाइन, मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे। One time please. ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे डिवाइन, द सन की ओवरऑल एनर्जी है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन जो मुझे दिख रहे हैं वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, यस अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं लैकिंग कॉन्शियसनेस में रहेंगे और बहुत चेज़ करेंगे आपको इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी रहेगी उनकी, आपकी हर चीज़ में उनकी नज़र रहेगी ऐसा लग रहा है। मतलब कोई भी सोशल साइट पर अगर आप कुछ अपलोड कर रहे हैं तो यू नो सबसे पहले उनको वो देखेंगे, जो भी पोस्ट वगैरह आपके रहेंगे उन पे पूरी नज़र रहेगी। अगर आप एक ही जगह रहते हो तो फिज़िकली आपको बहुत चेज़ करेंगे या फिर कहीं ना कहीं से आपको चेज़ करते दिख रहे हैं इंसान, और एक लैकिंग कॉन्शियसनेस दिख रहे हैं इनमें। इनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, शायद इनमें वो बात नहीं है जो कि आप इनको यू नो दोबारा एक मौका दे पाओ, या फिर ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी कि बहुत लैकिंग कॉन्शियसनेस में रहेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ कमी इनमें ज़रूर है, इसलिए आप इनको, आप इनसे दूर हो, आप इनसे अलग हो और आप इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, ऐसी इनकी फीलिंग रहेगी, ठीक है। और इस वजह से ही ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा लॉस के एनर्जी में रहेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आपने इनको, आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, इनको ऐसा लगेगा एक लॉस की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खो दिया आपको, इनको ऐसा लग रहा है कि अब चाह के भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है, इनकी तरफ से कोई एक्शन लेके फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, और इनको ऐसा लग रहा है कि यू नो खो दिया है इन्होंने आपको, इनको ऐसा लग रहा है। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, आप इनको कट ऑफ करके आप किसी और के साथ में भी मूव ऑन कर गए हो, ऐसी इनकी फीलिंग्स रहेगी इस टाइम पे। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करेंगे इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं अपने एक होता ना कि दर्द को छुपा के चेहरे पे एक स्माइल लेके आना, वैसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। ये इंसान आपका वेट करेंगे ज़रूर, लेकिन इनको ऐसा लगेगा कि आपको खो दिया इन्होंने और आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें वो बात नहीं है जो कि यू नो आप फिर से इनको वो चांस दो, एक मौका दो, ऐसी एक फीलिंग्स इनकी दिख रही है। बहुत ज़्यादा लो एनर्जी दिख रही है, लो वाइब्रेशन दिख रही है मुझे इनकी। ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके लाइफ में आ गए वापस तो इनको कोई अवार्ड मिल जाएगा, ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपसे, मुझे कमिटमेंट और मैरिज ये सब नहीं दिख रहा है। सो ये इंसान आपसे मैरिज कमिटमेंट ये सब नहीं चाहते हैं, बस ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बस रहें,
यू नो, लेकिन मैरिज कमिटमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है ये इंसान आपसे, बहुत एडिक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा वेट करते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप आए, इनको मनाएं या फिर सॉरी बोले या कोई गुड न्यूज़ आए इनको इस रिश्ते में, कुछ एक अच्छा सुनने के लिए मिले, इनको ऐसा लग रहा है। इनकी लाइफ आप में स्टक है, ठीक है, ये बहुत कन्फ्यूज हैं। इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं ऐसा लग रहा है मुझे। सो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करते और बहुत अपने आंसुओं को छुपाते, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे इस इंसान की, ठीक है। आपकी एनर्जी अगर हम देखें तो आप भी चाहते हो, आपकी फीलिंग भी ऐसी है कि आपको इनसे एक प्रपोजल चाहिए। आप चाहते हो कि ये इंसान आए, आपको कोई प्रपोजल दें। सो हो सकता है कि आप इनको मैरिज के लिए प्रपोज, आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हो, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता देखते हो, लेकिन ये इंसान आपको मे बी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर अपनी तरफ से ये इंसान कुछ नहीं आपको श्योरिटी दे रहे हैं, इसके चलते मे बी आप जो हैं इनसे मूव ऑन कर रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए सेपरेशन में हो आप और आप चाहते हो कि ये इंसान आपको आए और सॉरी बोले, कोई ऑफर दे, जो नहीं मिलने पे आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है मुझे। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आप उठ उठ के बैठ जा रहे हैं, आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और आपकी एनर्जी ऐसी है कि पूरी तरह से ड्रेन्ड फील कर रहे हो आप। मेजर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रात को नींद नहीं आती है आपको, आप आती भी है तो बहुत कम समय के लिए आती है और उसके बाद नींद टूट जाती है आपकी और फिर आपको नींद नहीं आएगी, इस तरह की एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। यस, हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है, माइग्रेन इश्यूज इस टाइम ज़्यादा हो सकते हैं आपको, शोल्डर में इश्यूज हो सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जिससे कि ऐसा हो सकता है कि यू नो उसके चलते आपको नींद नहीं आ रही है, ये भी हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज के चलते। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो हैं ऑफर के नहीं मिलने से या फिर आप रिकनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर से, इस वजह से आप परेशान हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का जो स्पार्क था ना वो ख़त्म हो गया है, जो फन था इस रिश्ते में वो ख़त्म हो गया है और कहीं ना कहीं चाह के भी वापस से वो स्पार्क अब वापस नहीं आएगा, आपको ऐसा लग रहा है। सो आप एक यू नो आप न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हो लेकिन आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है अब यहाँ पे कुछ और इन एनर्जी इन्वेस्ट करके, क्योंकि वो स्पार्क जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब ये ऐसे समझ लें कि आपका ये सोचना है कि जो ग्लास है वो टूट गया है और वो निशान हमेशा उसमें रह जाएगी, जो कि जितने भी यू नो स्टिक करने से वो निशान नहीं जाएगी, आपको ये लग रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट करने के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। एक्शन में मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी इंसिडेंट दिख रही हैं जिससे कि आप थोड़ा सा हिल सकते हो। सो थोड़ा केयरफुल रहें इस टाइम पे, क्योंकि कुछ आपके साथ ऐसा ज़रूर हो सकता है जिससे कि आपकी शेकी एनर्जी हो, या तो आप पूरा सेपरेट हो जाओगे अपने पार्टनर से या फिर ये इंसान आपको पूरी तरह से यू नो सेपरेट कर देंगे या फिर पूरी तरह से आपसे सेपरेट हो जाएंगे जिससे कि आप थोड़े से हिल जाओगे, या फिर कुछ ना कुछ शेकी एनर्जी होगी जो कि आपको अंदर से हिला देगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा इस टाइम पे केयरफुल रहें। अगर आपको लग रहा है कि किसी इंसान के साथ या फिर इस पर्सन के साथ या फिर आप थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको ऐसे फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें गलत होने वाली है, तो वहाँ थोड़ा सा सावधान रहें और उन लोगों से थोड़ा अलग रहें। ये एक कार्मिक इशू दिख रहा है मुझे, कोई कार्मिक क्या कहते हैं उसे अटैक दिख रहा है मुझे जिससे कि आप थोड़ा सा हिल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अपने लाइफ में आप एक उजाला चाहते हो, आप ओवरऑल अपने लाइफ में एक खुशियाँ चाहते हो, जो कि ओवरऑल आपकी एनर्जी है। सो पूरे लाइफ में आपकी कहीं ना कहीं मुझे अंधेरा दिख रहा है जहाँ से आप निकलना चाहते हो और आप एक नई सूरज की तलाश में हो, एक नए उजाले की तलाश में हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइन, ऐसा कुछ मैजिक कर दे जिससे कि आपको अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग आप कर पाओ, चाहे इस इंसान के साथ या फिर किसी न्यू पर्सन के साथ, या फिर कुछ ऐसा जहाँ आपको शांति मिल पाए, जहाँ आपको सुकून मिल पाए और जहाँ एक सवेरा हो, जहाँ एक उजाला हो, जहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी कुछ ना हो, ऐसा आप चाहेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। इस टाइम जस्टिस आप चाहते हो अपने लाइफ में, आपको लगता है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में या फिर दूसरे लोगों के साथ, आपको जस्टिस चाहिए अपने लाइफ में, कहीं ना कुछ कहीं एक सक्सेस ज़रूर चाहते हो आप। और यू नो इस टाइम में मुझे थोड़ा सा एनर्जी थोड़ी आपकी शेकी लग रही है, हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहे, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो ये जो नोट कॉन्टैक्ट में थे उन लोगों के लिए है। अब हम चेक करेंगे आपके जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं और जो लोग मैरिड हैं, क्रश के लिए और सिंगल्स के लिए, ठीक है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं और जो लोग मैरिड हैं उनके एनर्जीज बताएं डिवाइन, उनके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या रहेंगी इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़।
ओके, सो जो लोग नो, सो जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं और जो मैरिड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स बहुत एग्जॉक्शन वाली होगी. वो एग्जॉक्स्ड फील करेंगे इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, सो उनको ऐसा लगेगा कि आप जो हैं अपनी तरफ से एफर्ट आप नहीं लगा रहे हो, पूरे रिश्ते का भार जो है वो आपके पार्टनर पे है, आपके हस्बैंड वाइफ पे है, उनको ऐसा लगेगा. सो जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं और जो लोग मैरिड हैं, उनकी पार्टनर की फीलिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे. आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप जो हैं इस रिश्ते में अपनी एफर्ट्स आप नहीं लगाते हो, अपनी तरफ से आप कोशिश नहीं करते हो चीज़ों को ठीक करने की. कभी भी कोई फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट होते होंगे तो इनको ऐसा लगता है कि आप एफर्ट नहीं लगाते हो, या फिर आप बहुत लंबा सेपरेशन ले लेते हो, या फिर आप बातचीत बंद कर देते हो, या फिर आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाते हो. सो वो लव, केयर, कंपैशन की कमी आपके पार्टनर को आप में लगेगी, मुझे ऐसा लग रहा है. उनको इक्वली, इक्वल नहीं लगेगा, गिव एंड टेक जो हो रहा है ना वो इक्वल नहीं लगेगा. उनको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता वो अपने दम पे निभा रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, उनको ऐसा लगेगा. तो उनको ऐसा लग रहा है कि पूरे रिश्ते का भार उनके ऊपर है और आप एकदम यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो अपने रिश्ते की. ठीक है, तो जो लोग मैरिड हैं उनको ऐसा लगेगा कि कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं, जिससे कि उनको ऐसा लगे कि आप नहीं ले रहे हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इनको ऐसा लगे कि यू नो आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हो, जिस वजह से वो आपके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने प्यार, अपनी एनर्जी को वो इन्वेस्ट करते हैं, उस वजह से आप नहीं करते हो, उनको ऐसा लगेगा. ठीक है, एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है. सो कुछ एक साइकिल या तो कंप्लीट हुआ है या फिर कंप्लीट होगा. तो जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके बीच पॉसिबल है कि सेपरेशन हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के चलते. ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल अगर ऐसा कुछ है तो. अगर आपको यू नो ऐसा आप आपकी एनर्जी अगर ऐसी है कि आप जो है एफर्ट नहीं लगा रहे हो अपने रिलेशनशिप में, तो आपको यहाँ पे इस टाइम फ्रेम पे अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा आपको लव और केयर वाली एक एनर्जी जो है वो एक्सचेंज करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, ताकि उनको ये लगे कि आप जो है अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स लगा रहे हो. सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक चेंज ज़रूर आ सकता है आपकी लाइफ में इस टाइम पे. अगर जो कॉन्टैक्ट में है उनके बीच सेपरेशन आ सकता है, या फिर जो लोग मैरिड हैं उनके बीच कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ को लेके कि आप इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हो, इस तरह की कोई चीज़ों को लेके आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, ओके, सो या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का घर बन रहा है, ऐसा हो सकता है. मैरिड जो लोग हैं, आप लोगों का यू नो रेनोवेशन हो रहा है घर का, और उसमें आप जो है बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, या फिर होता है ना कि उस टाइम घर में काम बहुत होते हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि पूरा जो काम है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनके ऊपर आ गई है और आप जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हो. सो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इसको लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहें. अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी लाइफ में इस टाइम मुझे किसी की एंट्री नहीं दिख रही है. हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक सोलमेट आ सकते हैं. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अंदर से उनकी कोर बहुत स्ट्रांग होगी, ऐसा लग रहा है. ठीक है, लियो राशि वाले हो सकते हैं वो, और उनकी कोर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, अंदर से बहुत स्ट्रांग होगी. ऐसी एक पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, और ये आपके कलीग हो सकते हैं या फिर आपके स्कूल मेट हो सकते हैं, कॉलेज मेट हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे. ठीक है, क्रश के अगर आप देख रहे हो तो इस टाइम वो मुझे प्रपोज करते तो नहीं दिख रहे हैं. उनको ऐसा लगेगा कि सिर्फ फीलिंग्स उनके अंदर ही है, आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं है जो कि वो फील कर रहे थे इतने दिनों से, और कहीं ना कहीं आपके आपके अंदर वो एक लैकिंग, मतलब लव की कमी देखेंगे, अपने लिए एक फीलिंग्स की कमी उनको महसूस होगी इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है. ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है. सो ये है आपके पर्सनल लाइफ. अब हम चेक करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ को. प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे मिथुन राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले और क्या आउटकम रिसीव करेंगे. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज. ओके, ऑब्स्टिकल्स भी आ रहेंगे डिवाइन, प्लीज गाइड. आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले. ब्यूटिफुल,
ओके सो मुझे लग रहा है कि क्यों कहीं ना कहीं आप किसी स्पिरिचुअल लेसन्स को लर्न करने से मना कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, ओवरऑल जो लाइफ की एनर्जी है आपकी इस टाइम पे वो टीम वर्क की है. सो ओवरऑल आपकी लाइफ की जो एनर्जी है वो मुझे किंग ऑफ कप्स की दिख रही है, जो कि इमोशनल बता रही है आपको. ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत इमोशनल हो आप किसी चीज़ को लेके, या फिर किसी पर्सन को लेके, या फिर किसी ऐसे चीज़ को लेके जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो बहुत ज़्यादा. ये आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो सकते हैं, या फिर कोई पर्सनल लाइफ, कोई पर्सन हो सकता है. ठीक है, सो ओवरऑल इस टाइम आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, बहुत ज़्यादा किसी के फीलिंग्स में रहेंगे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा यू नो अपने फीलिंग्स को सप्रेस्ड करते हुए मुझे दिख रहे हैं आप कहीं ना कहीं. ठीक है, कोई ऐसे इंसान के लिए जो कि आपको लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, किसी ऐसे पर्सन के लिए, या फिर आप किसी को कट ऑफ करोगे अपने लाइफ से, मुझे ऐसा दिख रहा है. ठीक है, सो ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी इस टाइम ऐसी रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा फील करोगे किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए, या फिर किसी सिचुएशन के लिए, और इस टाइम आप थोड़े प्रैक्टिकल होंगे और उस इंसान को या फिर उस सिचुएशन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे, मुझे ये दिख रहा है. ठीक है, ओके, करियर में जो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप बहुत पैशनेटली काम ज़रूर करना चाहते हैं, आप ध्यान बहुत अपना फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा करियर पर लगाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आप यू नो डैमेज्ड हैं, जिसके चलते आपका पूरा फोकस आपके करियर में नहीं लग पाएगा इस टाइम पे. ठीक है, सो इस एनर्जी को आपको हील करने की ज़रूरत है. अगर आप बहुत अंदर से डैमेज्ड फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत पेन, बहुत तकलीफ़ लोगों ने दिया है, या फिर किसी के साथ भी जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको सिर्फ तकलीफ़ ही मिलती है, अगर ये एनर्जी आपकी है तो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है इसको. ठीक है, इस एनर्जी के चलते जो है आप अपने ओवरऑल लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और इसी एनर्जी के चलते आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी इस टाइम होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है. सो ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो आपको उसको हील करने की ज़रूरत है, और यू नो करियर जो है आपका वो आपके पैशन पे है, मतलब पैशनेटली आप काम ज़रूर करना चाहते हो, आप फोकस पूरा अपना पूरा ध्यान जो है अपने करियर पे लगाना ज़रूर चाहते हो, और एक पॉजिटिव आउटकम ज़रूर चाहते हो अपने करियर से, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली डैमेज्ड के कारण पूरा फोकस आपका अपने करियर पे नहीं जा रहा है. ठीक है, मैंने बोला ना इमोशनल हो आप, और यही आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है. सो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान करने की ज़रूरत है, कैसे किस तरह से आप इस एनर्जी से निकल सकते हो. बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर आप हो और डैमेज्ड हो अगर इमोशनली, क्योंकि आप सप्रेस्ड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, जो फीलिंग्स आपके अंदर है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, उसको सप्रेस्ड कर रहे हो, जिसके चलते आपका थ्रोट चक्र और आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड हो रहा है. जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं. सो इसलिए कहा जाता है कि जब आप फीलिंग्स किसी के लिए रहती है आपके मन में तो आपको उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, और अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो आपके चक्रास जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं. सो अभी आपको करना क्या है, आपको अपने थ्रोट चक्र और अपने हार्ट चक्र पर काम करना है. बहुत ज़्यादा ब्लू चीज़, ब्लू कलर्स या फिर ग्रीन कलर को अपने लाइफ में इंक्लूड करें, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने फूड्स में, अपने कपड़ों में, ठीक है, कुछ ना कुछ बेडशीट में, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि ब्लू के साथ आप ज़्यादा इंट्रैक्ट कर पाओ. ठीक है, जिससे कि आपके थ्रोट चक्र और आपका जो रूट सॉरी हार्ट चक्र है वो अनब्लॉक्ड हो पाए. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि थ्रोट चक्र को हील करने के लिए आप सिंगिंग ट्राई करें, नहीं सीख रहे हैं तो सिंगिंग सीखें, म्यूज़िक सीखें, जिससे कि आपका थ्रोट चक्र जो है वो हील होता है बहुत ज़्यादा. सिर्फ थ्रोट चक्र ही नहीं बल्कि आपके बाकी चक्रास भी जो हील होते हैं सिंगिंग से. सो सिंगिंग ज़रूर करें, डेली बेसिस पे करें, या फिर रियाज करें, जिससे कि आपका थ्रोट चक्र जो है वो हील हो पाए. ठीक है, ऐसा लग रहा है. सो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी आपको प्लान करने की ज़रूरत है आपके हार्ट, आपके हेल्थ से रिलेटेड. मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप कुछ यू नो हीलिंग कुछ ट्राई कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे. अगर नहीं ट्राई कर रहे हो तो इस टाइम आपको स्पिरिचुअल हीलिंग ट्राई करना चाहिए आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. अगर हेल्थ इश्यूज आपको हैं तो स्पिरिचुअल हेल्प लीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग की हेल्प लीजिए, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन, योगा, बहुत और भी टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकते हो. ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे. ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे, अगेन मैंने बोला ना कि आप कुछ चीज़ों को सप्रेस्ड कर रहे हो, अपने अंदर कुछ चीज़ों को आप दबा रहे हो, या तो आपकी फीलिंग्स हैं, या कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई फियर है आपके अंदर जिसको कि आप खुल के या तो बता नहीं पा रहे हो या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, और एक स्पिरिचुअल लेसन आपको लेना है, कुछ स्पिरिचुअली आपको सीखना है जो कि आप नहीं सीख रहे हो, और ये चीज़ें ऑब्स्टिकल हो रही है. ठीक है, सो एक स्पिरिचुअल लेसन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और एक इनसिक्योरिटी फियर दिख रहा है जो कि ऑब्स्टिकल हो रहा है. सो
इस चीज़, ये जो एनर्जी है ना, इसको आपको ख़त्म करने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना होगा। मैंने बोला ना आपको स्पिरिचुअल हेल्प लेने के लिए यहाँ पे। सो आपके हेल्थ इश्यूज़, आपके बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ सॉर्ट आउट हो जाएंगी जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। आउटकम क्या रिसीव करोगे यहाँ पे आप? तो कहीं ना कहीं मुझे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते दिख रहे हो यहाँ पे, और आपकी एनर्जी जो है वो बहुत बैलेंस्ड होती दिख रही है, बहुत मिस्टीरियस होते दिख रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्र मुझे यहाँ एक्टिव होता दिख रहा है, बहुत इंट्यूटिव हो जाएंगे आप इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखेंगे आप, क्योंकि इस टाइम आप सेल्फ लव करोगे, इस टाइम अपने ऊपर आप ध्यान दोगे, अपने ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा आपका, अपनी हेल्थ पे, अपनी स्किन केयर रूटीन, अपनी हेयर केयर रूटीन, मोटे हो रहे तो जिम जाओगे, इस तरह की एनर्जीज इस टाइम आपकी देखी जाएगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखोगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। और जैसे सेल्फ लव जब आप करते हो तो आप यू नो अट्रैक्टिव लगते ही हो ओवरऑल। सो एक टीम वर्क की भी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो एक टीम वर्क आप ज़रूर करोगे आपके करियर में, या बिजनेस में, फाइनेंस में, या फिर ओवरऑल लाइफ में, कहीं भी यू नो टीम वर्क करोगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो गाइडेंस हम चेक कर लेते हैं, और ये गाइडेंस को आप फॉलो करें इस टाइम पे, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है इस टाइम की वो रिलीज़ कर पाओ आप, और पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव करो। कुछ गाइडेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय जेमिनाइज, किस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए जेमिनाइज को? डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। इस टाइम आपको अपने इनर चाइल्ड पे फोकस करने की ज़रूरत है। अब क्या होता है इनर चाइल्ड? आपके अंदर एक चाइल्ड है, ठीक है, और हर सबके अंदर होता है, हर इंसान के अंदर होता है एक इनर चाइल्ड, जो कि हम एज के मैंने मैच्योर होते होते में उस इनर चाइल्ड को ख़त्म कर देते हैं खुद से ही। लेकिन जब एक इनर चाइल्ड हमारा एक्टिव होता है हमारे अंदर, तो हमेशा हम लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, बहुत लाइट देखते हैं, हम बहुत हैवीनेस में नहीं रहते हैं, हम बहुत टेंशन नहीं लेते हैं जब हमारा इनर चाइल्ड एक्टिव होता है। सो कहीं ना कहीं आपको अपने इनर चाइल्ड को एक्टिव करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। फोकस क्या करना है आपको, कौन सी ऐसी चीज़ जो आप अपने चाइल्डहुड में करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए, वो चीज़ों पे इस टाइम फोकस करना है आपको। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपको याद करना है वो चीज़ें कि क्या चीज़ें थी वो जो आप करना चाहते थे बचपन में, अपने चाइल्डहुड में, और आप नहीं कर पाए, उस चीज़ पे फोकस करें। या फिर आप अभी जिस चीज़ से खुश होते हैं अंदर से, उन चीज़ों को करें। वो कुछ भी हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, आर्ट हो सकता है, यू नो कुछ भी हो सकता है, कुछ स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई आर्ट हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकता है, कुछ भी जिसमें आपको खुशी मिलती है, जैसे अंदर से आप खुश होते हैं, उन कामों को करें। और उन कामों को करके आप जो हैं यू नो अंदर से अपनी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश करें, पॉजिटिव एनर्जीज में आएँ। ठीक है, कौन से मेजर एक्शन अभी लेने चाहिए मेरे? ओके, दो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका यू नो अंदर से आप दुखी हो, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब कंट्रोल क्या करना है यहाँ आपको, मेजर एक्शन क्या लेना है, अपनी एनर्जीज को आपको बैलेंस करना है। मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम पे, इमोशंस के चलते, ओवर इमोशंस के चलते कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में और ओवरऑल लाइफ में उसका इम्पैक्ट हो रहा है। सो आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करनी है यहाँ पे। अगेन एक स्पिरिचुअल लेसन है यहाँ पे, ठीक है, स्पिरिचुअली ही आप अपने एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो। देख रहे हो ना आप, विंग्स लगे हुए हैं। सो एक अपने आप को ग्रो करना, अपनी सोल को इवॉल्व करना, और जैसे जैसे आप अपनी सोल को इवॉल्व करते जाएंगे, वैसे आपकी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस होती जाएगी। अभी आपके में भी एनर्जी ऐसे हो सकती है कि अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो बहुत दिनों तक आप इमोशनल ही रहते हैं, जबकि आप टायर्ड हो गए होंगे इस एनर्जी से, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे और उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे। सो आपको अपनी बॉडी, सोल, माइंड के बीच एक अलाइनमेंट चाहिए, जो कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने से ही मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और यू नो कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्र पे काम करें, मुझे दिख रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्र में काम करने की ज़रूरत है। पास्ट के रिलेशनशिप्स अगर आपके ठीक नहीं थे, सही नहीं थे, और हार्ट ब्रेक्स अगर आप गो थ्रू किए हो, सो इम्पॉर्टेंट आपको ये है कि आप हील करें अपने हार्ट को, ताकि आप लव अट्रैक्ट कर पाओ। अभी कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसके चलते आप सही लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में, आप हमेशा गलत लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। सो अपने हार्ट चक्र पे इस टाइम काम ज़रूर करें, ये आपका मेजर एक्शन होगा इस टाइम के फ्रेम पे। ठीक है,
क्या रिलीज करने की जरूरत है डिवाइन मेरे व्यूवर्स को। बहुत इल्यूजन्स क्रिएट करते हो आप अपने आप में, बहुत स्टोरीज या तो क्रिएट करते हो या फिर बहुत इल्यूजन क्रिएट करते हो आप। ये चीज़ें ऐसी होंगी, वो चीज़ें ऐसी होंगी, वो इंसान ऐसा होगा, वो इंसान वैसा होगा, वो मुझे धोखा दे देगा, ऐसे बहुत सारे इल्यूजन आप क्रिएट करते हो। आपको ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। इल्यूजन हम तभी क्रिएट करते हैं जब हमारे चक्रास जो है वो इम्बैलेंस होते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि चक्रा बैलेंसिंग कीजिए ताकि आपके चक्रास जो हैं वो अलाइंड हो जाएं, ताकि आप इल्यूजन में ना रहे। यू नो, ये ऐसा होता है कि अंधेरे में हम रस्सी को देख के सांप सोचते हैं। सो आपके चक्रास जब बैलेंस हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे, आपको अंधेरे में भी रस्सी रस्सी ही दिखेगी, सांप नहीं दिखेगी, ठीक है। सो आपको इल्यूजन को रिलीज करने की जरूरत है। जो भी इल्यूजन आप क्रिएट कर रहे हो उसको रिलीज करने की जरूरत है, और ये जो है आपके चक्रा बैलेंसिंग से ही पॉसिबल हो पाएगा। सो थोड़ा टाइम अपने चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन में जरूर दें ताकि आपके चक्रास जो है वो बैलेंस हो पाए ओवरऑल, ठीक है। क्या चीजें आपको खुश कर सकती हैं? अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जो आप सप्रेस्ड कर रहे हो, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर किसी इंसान के लिए आपकी फीलिंग्स आपके मन में हैं और आप उस फीलिंग्स को सप्रेस्ड कर रहे हो, तो इस टाइम आपको उस फीलिंग को जीने की ज़रूरत है, ठीक है। जिससे कि जीने की ज़रूरत है और उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है ताकि आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाओ। फिर आप कैसे हैप्पी रह सकते हैं? अपने इमोशंस को बैलेंस करके। सो इस टाइम आप ओवरऑल जो हैप्पीनेस आपका है वो ये है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। ये कैसी एनर्जी है ना कि अंदर बहुत सारे फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं और बहुत दुख है, बहुत दर्द है, लेकिन चेहरे पे एक स्माइल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, ऐसी एनर्जी है। सो ये एनर्जी आपको, ये एनर्जी पे नहीं रहना है आपको, ठीक है। अंदर जो है वही आपके बाहर होना चाहिए। अगर आप दुखी हैं तो आप दुखी हैं, जो अंदर है वही रिफ्लेक्शन आपका होना चाहिए बाहर, ठीक है। सो जैसा भी है आपकी फीलिंग्स, अगर दुखी हैं, उदास हैं, तो एक्सप्रेस कीजिए लोगों के साथ कि यस आई एम सैड, आई एम नॉट हैप्पी, ओके। और अगर खुश हैं तो अपनी खुशियां बांटिए लोगों के साथ कि मैं खुश हूँ, और जो दुखी हैं उनको भी खुश कीजिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है ना, लाइक एक हीलर की एनर्जी है ये, ठीक है। सो अगर आप हीलर हैं तो आप हील करें, या फिर जो लोग आपके आसपास हैं, जो लोग आपके साथ हैं, वो अगर दुखी हैं तो उनको हील करें बात करके, जैसे भी आप हील कर सकते हैं। सो आप नेचुरली एक हीलर हैं और आप हील कर सकते हैं लोगों को बात करके, या फिर यू नो हील करके आप किसी भी तरह से हील कर सकते हैं। तो ऐसे हील करें लोगों को, खुशियाँ बांटें, अपने अंदर दुख है तो उसको रिलीज़ करें, और अगर खुश हैं तो लोगों के साथ खुशियाँ बांटें ताकि आपकी खुशियाँ और डबल हो सके, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो माय डियर जेमिनाइज, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।